नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके एकमात्र प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। तो यार बड़ी वे अति महत्वपूर्ण खबरें सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सैन्य कर्मियों के लिए, प्रमोशन, पेंशन, बढ़ोतरी, एरियर आदि की खबरें हैं दोस्तों 21 नवम्बर 2018 की। दोस्तों इससे पहले मोदी सरकार के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन और सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूज़ से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों हमारी पहली बड़ी खबर हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सैन्य कर्मियों के लिए है। ये लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है DOPT के द्वारा 15 नवम्बर 2018 को। दोस्तों इस लेटर के जारी हो जाने के बाद आपको प्रमोशन भी दिया जाएगा और साथ में सैलरी व पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों इसका फ़ायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सैन्य कर्मियों को होगा। दोस्तों इसी आदेश को लेकर 25 जनवरी 2016 को एक लेटर जारी किया गया था दोस्तों नेशनल प्रमोशन के संदर्भ में। दोस्तों ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जो अनुशासनात्मक कार्यवाही में सम्मिलित हैं, जो रिटायरमेंट के बाद सुनवाई में दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो दोस्तों DPC में कर्मचारियों का सीनियरिटी का रिविज़न होगा। रिविज़न होने के बाद में आपको प्रमोशन दिया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद भी नेशनल प्रमोशन दिया जाएगा दोस्तों आपको, और आपके पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं। दोस्तों यदि आपसे कोई जूनियर कर्मचारी आपके रिटायरमेंट होने से पहले हायर प्रमोशन पर हैं तो इसका फ़ायदा आपको होगा। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपके जूनियर की प्रमोशन की तारीख को आप विजिलेंस एंजल से क्लियर हो जाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों तीसरा है दोस्तों, जिस तारीख को आपका सीनियर प्रमोट हुआ है तब से आपको नेशनल प्रमोशन का फ़ायदा मिलेगा। नेशनल प्रमोशन नेशनल पे फिक्सेशन और नेशनल रिवीजन पेंशन CCS रूल 1972 के मौजूदा नियमों के अधीन होगा। पेंशन में वास्तविक वृद्धि केवल समीक्षा मंजूरी की तारीख से ही दी जाएगी सक्षम अधिकारी या पैनल के द्वारा दोस्तों, और कोई भी आपको यहाँ पे बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे पहले अगर पास्ट केसेस अगर सेटल हो चुके हैं तो उनको दोबारा से रीओपन नहीं किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी कॉपी इन सभी विभागों को भेज दी गई हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने वाली पार्टी को देंगे लोकसभा चुनाव में समर्थन। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ जारी किया गया है दैनिक जागरण के द्वारा। दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली के लिए कुछ रणनीति बनाई गई है। सुशील कुमार जरियाल ने बताया कि 26 नवंबर को पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर में संसदों के घेराव करने का निर्णय लिया गया है ताकि कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि पेंशन की बहाली को लेकर सभी कर्मचारी को आगे आना होगा। उन्होंने सभी विभागों के संघों को एक साथ मंच पर आने की अपील की है। संघ आने वाले लोकसभा चुनाव में उसी दल को समर्थन करेगा जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर सभी केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगियों और सैन्य कर्मियों के लिए है। SBI ग्राहक ध्यान दें, 1 महीने में बेकार हो जाएगा आपका ATM। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ATM कार्ड को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अपने पुराने डेबिट कार्ड बंद कर रहा है। दोस्तों ऐसे में ग्राहक अपने पुराने कार्ड से पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बदलाव की जानकारी SBI ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपने सभी ग्राहकों को दी है। दोस्तों SBI लगातार अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस और उनके पैसे की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, इसीलिए बैंक ने अपना पुराना ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड बंद करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों ये पुराने कार्ड मैग्नेटिक डेबिट कार्ड हैं, इसके बदले में बैंक नए जमाने के चिप कार्ड वाले IMV कार्ड दे रहा है। बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को 31 दिसंबर तक कार्ड बदलने की डेडलाइन दी है। तो दोस्तों अगर आपके भी पास पुराना डेबिट कार्ड है तो 31 दिसंबर 2018 से पहले आप नए कार्ड के लिए अप्लाई कर दें ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों हमारी अगली बड़ी खबर सैन्य कर्मचारियों के लिए है। उच्च अधिकारियों को फील्ड में तैनात करने की तैयारी में सेना। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ जारी किया गया है 20 नवंबर 2018 को। दोस्तों भारतीय सेना अपने करीब 20% अधिकारियों को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मुख्यालय से हटाने की योजना बना रही है। दरअसल भारतीय सेना चाहती है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक उच्च अधिकारी देश के विभिन्न हिस्सों में फील्ड पर तैनात हो। इकोनॉमिक्स टाइम के एक रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड में
तैनात अधिकारी मुख्यालय में अलग अलग विभागों से होंगे। सेना का मकसद है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो अधिकारी मैदान में ही मौजूद रह सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चार बड़ी खबरें हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सैन्य कर्मियों के लिए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूज़फुल रहती तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे दोस्तों।